प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू से आईआईटी भिलाई के स्थायी परिसर का वर्चुअल माध्यम से मंगलवार की दोपहर शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सांसद विजय बघेल, विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा, रविचंद्राकर, अभिशासी मंडल के अध्यक्ष के वेंकट रमन तथा निदेशक आईआईटी प्रोफेसर राजीव प्रकाश मौजूद रहे। उसका आज यहां और विस्तार हो रहा है। मुझे याद है साल 2013 के दिसंबर में, जिसका जितेंद्र जी अभी उल्लेख कर रहे थे, जब मैं बीजेपी के ललकार रैली में आया था, तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी देके गया था। मैंने सवाल उठाया था, क्या जम्मू में भी आईआईटी और आईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते? वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में आईआईटी भी है और आईआईएम भी है, और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज यहां आईआईटी जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। मैं देख रहा हूं नौजवानों का उत्साह अद्भुत दिखता है। इसके साथ साथ आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, ट्रिपल आईटी डीएम कुर्नूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया है। आज आईआईएम जम्मू के साथ साथ आईआईएम बोध गया बिहार में, और आईआईएम विशाखापट्टनम कैंपस आंध्र में, उसका भी उद्घाटन यहीं से हुआ है। इसके अलावा आज एनआईटी दिल्ली, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससीआर बहरमपुर, ट्रिपल आईटी लखनऊ जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, ऐसी कई सुविधाओं का भी लोकार्पण हुआ है। साथ